अस्थमा या दमा एक ऐसी बीमारी है जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अस्थमा फेफड़ों की एक बीमारी है जिसके कारण सांस लेने और छोड़ने में कठिनाई होती है। अस्थमा होने पर श्वास नलियों में सूजन आ जाती है जिस कारण श्वसन मार्ग यानी सांस लेने का मार्ग सिकुड़ जाता है। सांस नली में सिकुड़न के चलते रोगी को सांस लेने में परेशानी, सांस लेते समय आवाज आना, सीने में जकड़न, खांसी आदि समस्याएं होने लगती है। अस्थमा का अटैक तब आता है जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण सांसें भी फूलने लगती है। जिस वक्त मरीज को अस्थमा अटैक यानी दमे का दौरा पड़ता है उस वक्त उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है और उसे तुरंत उपचार दिए जाने की जरूरत होती है, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। अस्थमा होने का मुख्य कारण किसी चीज से एलर्जी होना है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे हवा में प्रदूषण, छोटे छोटे धूल के कण, फंगस, धूम्रपान, सामान्य सर्दी, बुखार, ब्रोंकाइटिस और साइनस संक्रमण जैसे बैक्टीरिया से अस्थमा हो सकता है। अस्थमा होने पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई होना, सीने में जकड़न जैसा महसूस होना, बलगम वाली खांसी या सूखी खांसी, सांस लेते समय घबराहट या घरघराहट की आवाज़ आना, रात में या सुबह के समय स्थिति और गंभीर हो जाना, ठंडी हवा में सांस लेने से हालत गंभीर होना, जोर जोर से सांस लेना जिसके कारण थकान महसूस होना, व्यायाम के दौरान स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब होना, गंभीर स्थिति में कई बार उल्टी भी हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अस्थमा अटैक से बचने के कुछ ऐसे घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगी जिससे आपका अस्थमा नियंत्रण में रहेगा और साथ ही आप हमेशा अस्थमा अटैक से बचे रहेंगे। सबसे पहला उपाय है हल्दी। दोस्तों, हल्दी सीने या गले में जमे कफ को दूर करने में बहुत ही कारगर है। अस्थमा के मरीज को रोजाना गर्म पानी से 2 चुटकी हल्दी की फांकी लेनी चाहिए। इससे कफ वाला अस्थमा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। दूसरा उपाय है अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन दोनों ही अस्थमा के इलाज में बहुत फायदेमंद होते हैं। अस्थमा की शुरुआती अवस्था में 50 मिलीलीटर दूध में लहसुन की 5 कलियां उबालकर इस मिश्रण का रोजाना सेवन करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा अदरक की गर्म चाय में लहसुन की 2 पीसी कलियां मिलाकर पीने से भी अस्थमा नियंत्रित रहता है। ठंड में रोजाना सुबह और शाम इस चाय का सेवन करने से मरीज को बहुत फायदा होता है और वह अस्थमा अटैक से बचा रहता है। तीसरा उपाय है अजवाइन। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन को डालकर उबाल लें और छानकर इसके पानी को रोजाना सुबह और शाम भोजन के बाद पीने से अस्थमा को ठीक करने में बहुत मदद मिलती है। अस्थमा से बचाव के लिए अजवाइन के पानी से भाप लेना भी फायदेमंद होता है। इसके लिए पानी में अजवाइन डालकर इसे उबाल लें और पानी से उठती हुई भाप को लें। इससे सांस लेने की परेशानी में तुरंत राहत मिलती है। चौथा उपाय है मेथी दाना और शहद। शहद को अस्थमा में काफ़ी लाभदायक माना जाता है क्योंकि शहद बलगम को ठीक करता है जो अस्थमा की परेशानी पैदा करने का कारण है, और वहीं शरीर के अंदर की एलर्जी को ठीक करने में मेथी दाना काफ़ी सहायक होता है। 1 छोटा चम्मच मेथी दानों को 1 गिलास पानी के साथ तब तक उबालें जब तक पानी 1/3 न हो जाए। इस पानी में शहद और अदरक का रस मिलाकर रोज सुबह शाम सेवन करने से अस्थमा में बहुत जल्दी लाभ होता है। और इसके अलावा अस्थमा के मरीज रोजाना मेथी या मेथी दानों की सब्जी का सेवन भी कर सकते हैं। 5वां उपाय है संतुलित आहार। जी हाँ दोस्तों, अस्थमा के इलाज में आहार यानी डाइट या भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उचित आहार अस्थमा के लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो वहीं अनुचित आहार का सेवन अस्थमा के लक्षणों को और बढ़ा सकता है। इसलिए अपने आहार में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई युक्त ताजे फल और सभी हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें और गाजर या पालक के रस का भी सेवन करें जो कि अस्थमा में बहुत फायदेमंद है। और साथ ही अपने भोजन में अदरक, लहसुन, हल्दी, लौंग और काली मिर्च जैसे मसालों को शामिल करें। ये अस्थमा से लड़ने में काफ़ी मददगार है। दोस्तों, अस्थमा के मरीजों के लिए कुछ अनुचित आहार भी है जिससे उन्हें हमेशा बचकर रहना चाहिए,
या उनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए, जैसे कि ठंडे पदार्थ, आइसक्रीम, अंडे, मछली, मांस, चॉकलेट, अधिक मसालेदार भोजन, शराब, धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा आदि, और साथ ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट वाले भोजन का सेवन भी कम मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, onlythefitness.com चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका इस विषय में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।